हाल ही में मैंने एक लेख पढ़ा। उस लेख ने मुझे कुछ बातों पर अधिक विचार करने पर विवश कर दिया। उसमें कुछ इस प्रकार लिखा हुआ था, सबने कहा कि वह मर चुके हैं, अब उन्हें दफनाना चाहिए, मगर मैं नहीं मानती कि उनकी मृत्यु आज हुई है। वह तो करीबन 20 साल पहले ही मर चुके थे, जब उनकी पत्नी गुजर गई थी और उनका हाल चाल या उनके खाने पीने के बारे में पूछने वाला कोई नहीं था, क्योंकि किसी को कोई परवाह ही नहीं थी। वह तो तभी मर चुके थे जब उनके बेटे ने उन्हें ताना मारते हुए कहा कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते, क्योंकि किसी को कोई परवाह ही नहीं थी। वह तो तभी मर चुके थे जब उनकी बहू ने उनके बेटे से उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ देने की जिद की, क्योंकि किसी को कोई परवाह ही नहीं थी। वह तो तभी मर चुके थे जब उन्हें एक कोने में अकेला गुजर जाने के लिए छोड़ दिया गया, क्योंकि किसी को कोई परवाह ही नहीं थी। मगर सबका मानना था कि उनकी मृत्यु आज ही हुई। मैं कैसे इसे मान लूं? आपको यकीन नहीं होगा, मगर हर दिन आपकी मुलाकात कम से कम एक ऐसे बड़े बुजुर्ग से हो जाती है जो अंदर ही अंदर तड़प तड़प कर मर रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो आपके आसपास हैं वह भी इन भावनाओं का शिकार हो। हमारा जीवन केवल जीने के लिए ही नहीं, मगर दूसरों को खुशहाल जीवन जीने देने के लिए भी है। अंदर ही अंदर ना जाने कितने लोग हर दिन मरते जा रहे हैं, मगर उन्हें दफन करने के लिए शायद कई साल लग जाए। क्या इस लेख ने आपके दिल को भी सोचने पर विवश कर दिया? समाज के एक अच्छे नागरिक और शुभचिंतक होने के नाते हम सबकी कोशिश होनी चाहिए कि हम अपने आसपास के बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखें, और इन सब की शुरुआत हमें खुद अपने घर से करनी चाहिए। यह ना भूलिए कि अगर आज हम एक सुखद जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो उसमें हमारे बुजुर्गों की मेहनत और नेकी का काफी योगदान है। उस कारण उनका मान सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। बाइबल में भी कहा गया है कि पक्की बाल वाले के सामने उठ खड़े होना और बूढ़े का आदर मान करना और अपने परमेश्वर का भय निरंतर मानना, मैं यहोवा हूं। क्या आप कोशिश करेंगे?